गायन वादन नृत्य सहित विभिन्न विधा से जुड़े कलाकारों को बढ़ावा देने का काम युवा उत्सव के माध्यम से हो रहा है। कोरबा में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन उसी उद्देश्य के साथ किया गया। 2 दिन तक चलने वाले महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। स्कूल और ब्लॉक स्तर पर प्रतिभा का प्रदर्शन के बाद विजेता को जिला स्तर के लिए चुना गया है। उत्सव का औपचारिक शुभारंभ करने के बाद कलाकारों ने अलग अलग विधा में अपनी प्रस्तुति का प्रदर्शन किया है। काफी संख्या में उपस्थिति दर्शकों ने इस प्रदर्शन की सराहना की। कोरबा जिले के कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि दिन तक कलाकारों को लोग यहां पर प्रदर्शन करते हुए देखते रहे। युवा उत्सव को लेकर काफी अच्छा वातावरण बना हुआ है। युवाओं के भीतर छिपी हुई प्रतिभा को पुरस्कृत करने के उद्देश्य के साथ इस प्रकार के आयोजन प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन के बाद अलग अलग विधा से चयनित होने वाले कलाकारों को अगले वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। इसका शुभारंभ हुआ है 1 तारीख और 2 तारीख ये प्रतियोगिताएँ चलेंगी, जिसमें अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो तकरीब 900 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। अभी खिलाड़ियों का पंजीयन चल रहा है, जिसमें सांस्कृतिक विधाएँ हैं, पारंपरिक खेलकूद हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, बहुत सारे और भी कॉम्पिटिशन्स हैं, इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी इसका औपचारिक शुभारंभ हुआ है, इसके बाद अभी देर शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा। आज 15 से 40 वर्ष तक के आयु वर्ग की विधाओं को लिया गया है, कल 40 वर्ष से ऊपर के विधाओं को लिया गया है। ये 2 दिन बहुत ही अच्छा जो सांस्कृतिक और बाकी खेल कूदन का प्रदर्शन लोगों को देखने को मिलेगा। आयोजन समिति ने अच्छी तैयारी की है और हम लोगों को उम्मीद है कि